morning dear student, most welcome to the online classes SVPS. In this video for 11th class in physical education subject, I am teaching you lesson number 2nd आपका, इसमें मैं आपको motor development बता रहा हूँ. Next, I will teach you factors क्या तत्व होते हैं affecting motor development प्रभावित करते हैं. देखिए, there are various factors, बहुत से तत्व होते हैं which are liable जो होते हैं to affect motor development in children. These factors are stated below. तो पहला आपका फैक्टर कौन होता है? बायोलॉजिकल. देखिए, बायोलॉजिकल फैक्टर आर रिलेटेड टू द जेंस. ये जेंस से संबंधित होता है. दीज फैक्टर्स आर आल्सो नोन एज हेरिडिटी और जेनेटिक फैक्टर्स भी कहे जाते हैं. दी जेंट्स विच वी गेट फ्रॉम अवर पेरेंट्स, की वे जेंट्स जो अपने माता पिता से प्राप्त करते हैं आर रिस्पॉन्सिबल, वो जिम्मेदार होते हैं फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट इंक्लूडिंग मोटर डेवलपमेंट भी. दी परसेंटेज ऑफ फैट फास्ट ट्विस्ट फाइबर्स एंड स्लो ट्विस्ट फाइबर डिपेंड ही निर्भर रहती है ऑन बायोलॉजिकल फैक्टर्स. इनफैक्ट वास्तव में दीज फैक्टर्स आर लाइकली टू अफेक्ट, ये जो फैक्टर होते हैं वो संभवतः प्रभावित करते हैं द रेट एंड एबिलिटी ऑफ मोटर डेवलपमेंट. दीज फैक्टर्स आर रिलेटेड टू द बॉडी वेट साइड एंड लेंथ एंड सेकंड टाइप फैक्टर एनवायरमेंट एनवायरमेंटल फैक्टर. देखिए, ये फैक्टर्स क्या होता है? एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज फिजिकल एंड सोशल फैक्टर्स आर लाइकली टू अफेक्ट द मोटर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये संभवतः बच्चों के मोटर डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं. रिसर्च स्टडी इंडिकेट, जो रिसर्च स्टडी है वो दर्शाती है दैट की मोटर डेवलपमेंट टेक प्लेस एट अ फास्टर रेट, कि मोटर डेवलपमेंट होता है वो बहुत तेज गति से होता है चिल्ड्रन बच्चों में. हुआ इंगेज टू एक्सप्लोर देयर सराउंडिंग, जो लगे रहते हैं अपने सराउंडिंग को ढूंढने में. दे आर गिविंग मोर अपॉर्चुनिटीज, उन्हें अधिक मौके दिए जाते हैं टू टेक पार्ट, भाग लेने के लिए इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज. दो चिल्ड्रन वे बच्चे हु आर नॉट इनक्रेजेड के आया था और मोटिवेटेड टुवार्ड्स मोटर डेवलपमेंट में हैव स्लो रेट, उनका धीमा रेट होता है मोटर डेवलपमेंट. इनफैक्ट वास्तव में इनक्रेजमेंट लव एंड सिक्योरिटी पुश, ये धक्का देते हैं चाइल्ड को टू टेक रिस्क टू एक्सप्लोर फियरलेसली विच लीड टू बेटर मोटर डेवलपमेंट की ओर जाता. थर्ड वाला होता है न्यूट्रिशन, NUTRITION, पोषक तत्व. देखो ये क्या होते हैं, न्यूट्रिशन से लाइबिलिटी भी योग होते हैं टू अफेक्ट दी मोटर डेवलपमेंट को प्रभावित करने के लिए. इनडीड वास्तव में न्यूट्रियस फूड प्रमोट्स, ये भोजन प्रमोट करता है गुड मोटर डेवलपमेंट को. सेंसरी मोटर डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन न्यूट्रिशन के ऊपर निर्भर रहती है. इफ चिल्ड्रन गेट न्यूट्रिशन फूड, अगर बच्चों को पोषक भोजन मिलता है तो दे बिकम स्ट्रॉन्गर, वे मजबूत हो जाते हैं, विच अल्टीमेटली लीड जो अंत में ले जाता है टू गुड मोटर डेवलपमेंट की ओर. ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, इफ चिल्ड्रन, अगर बच्चे डू नॉट गेट प्रॉपर न्यूट्रिशन को नहीं प्राप्त करते हैं, दे आर फाउंड टू बी लेस एनर्जेटिक, वो कम ऊर्जापूर्ण पाए जाते हैं. एंड ओइंग टू दिस, इसको जानकारी में, देयर मोटर डेवलपमेंट टेक प्लेस स्लोली, उनका जो मोटर डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही धीरे धीरे होता है. नेक्स्ट फैक्टर होगा आपका फिजिकल एक्टिविटीज, चौथा तो इसमें क्या आप लिखोगे, देखिए मैं बताऊंगा. यू विल राइट इन दिस, टेकिंग पार्ट इन रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, भाग लेना नियमित शारीरिक एक्टिविटी में इनहांस द मोटर डेवलपमेंट, ये बढ़ा देता है मोटर डेवलपमेंट को एट ए फास्टर रेट, एक तेज गति से. हाउ, परंतु द फिजिकल एक्टिविटी मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी, जो फिजिकल एक्टिविटी को अवश्य होना चाहिए क्षमताओं के अनुसार. मोटर डेवलपमेंट कम स्लो वे धीमा हो जाता है इन दो चिल्ड्रन बच्चों में, वो डू नॉट टेक पार्ट, जो भाग नहीं लेते हैं फिजिकल एक्टिविटी रेगुलरली, रोजाना लेते हैं. नॉट डूइंग इवन माइनर फिजिकल एक्टिविटी, जो थोड़ा भी हल्के सल्का भी शारीरिक एक्टिविटी नहीं करते, रिजल्ट ये परिणाम देता है इन डिलेइंग मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, देर से मोटर डेवलपमेंट बच्चों. तो डियर स्टूडेंट, इन दिस वीडियो आई हैव टोल्ड यू फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट.
I have told you four types of factors are to affect development. There are so many factors, but I have only told you to write only four factors. They are biological factors, environmental factor, nutrition and physical activity, which you will write in your copy. That's all for the video.